इस वीडियो में हम Moto Edge 40 को IQ New 7 5G के साथ कंपेयर करने वाले हैं। Moto Edge 40 में जहां आपको शानदार डिजाइन देखने को मिलता है, तो वहीं IQ New 7 5G को फरवरी में लॉन्च किया गया था। ये स्मार्टफोन एक शानदार गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर आता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम प्राइस देखने को मिलता है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब दोनों स्मार्टफोन सेम प्राइस रेंज में आते हैं तो परफॉर्मेंस आपको किस में ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहले दोनों के डिजाइन की बात करते हैं। Motorola Edge 40 की बात करें तो फ्रंट से देखने में ये फोन काफी अच्छा लगता है। इसकी डिस्प्ले क्रब्ड है और डिस्प्ले पर बेजल्स काफी कम। नीचे की साइड में आपको चिन पार्ट भी ना के बराबर मिलता है, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले फ्रंट से देखने में काफी बड़ी लगती है। फ्रंट कैमरा इसमें आपको पंच होल डिजाइन में मिलता है, जो कि डिस्प्ले के ऊपर की ओर बीच में दिया गया है। इसके बैक में आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है, जो कि इसके डिजाइन को और ज्यादा एनहेंस करता है। IQ New 7 5G के डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी डिजाइन मिलता है। फोन के साथ बैक पैनल पर मैट फिनिश है, इस पर फिंगरप्रिंट नहीं आते। वहीं आगे की तरफ इसमें आपको 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। फोन में बेजल्स काफी कम देखने को मिलते हैं। फोन का वजन 193 ग्राम है और फोन के साथ आपको प्रीमियम लुक और प्रीमियम फील मिलता है। बात डिस्प्ले की करें तो Motorola Edge 40 में 2400x1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन वाली 6.65 इंच की फुल HD 3D क्रब्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये डिस्प्ले OLED पैनल पर बनी है, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तकनीक से लैस है। इस फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। साथ ही इसकी डिस्प्ले 1200 निट्स ब्राइटनेस और HDR10+ जैसे फीचर से लैस है। इसमें 92.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। फोन में आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। IQ New 7 5G में आपको 6.78 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले का एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है। इसकी डिस्प्ले के साथ 93.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। इसमें आपको वाइड बाइन L1 का सपोर्ट भी मिलता है। डिस्प्ले के साथ आपको अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं और व्यूइंग एंगल जो है वो काफी शानदार है। फोन बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस की बात करें तो Motorola Edge 40 भारत में लॉन्च होने वाला पहला ऐसा मोबाइल फोन है जो MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट सपोर्ट करता है। ये 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो 2.6 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर रन करता है। ग्राफिक्स के लिए फोन में आपको माली G77MC9 GPU दिया गया है। फोन एंड्रॉयड 13 पर लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 2 साल तक की OS और 3 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट मिलती है। बात परफॉर्मेंस की करें तो फोन में गेमिंग के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। IQ New 7 में आपको MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि माली G610 GPU के साथ मिलकर काम करता है। फोन में 12GB तक रैम और 8GB तक की वर्चुअल रैम का सपोर्ट है। इसमें गेमिंग के लिए आपको ग्रेफाइट 3D कूलिंग सिस्टम दिया गया है और गेमिंग के लिए ये फोन काफ़ी अच्छा है। 30,000 से कम कीमत में हम इस स्मार्टफोन को एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बोल सकते हैं। इसके साथ आपको मल्टीटास्किंग में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। फोन के कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट भी है। अब बारी आती है कैमरे की। Motorola Edge 40 के कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। इसके बैक पैनल पर F1.4 अपर्चर वाला 50 MP का सेंसर दिया गया है, जो F1.2 अपर्चर वाले 13 MP के मैक्रोविजन अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ मिलकर काम करता है। इसी तरह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में आपको F2.4 अपर्चर वाला 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसके रियर में मैक्रो और डेप्थ कैमरा नहीं दिया गया, लेकिन जो 2 सेंसर दिए गए हैं, ये दोनों मिलकर ही मैक्रो और डेप्थ कैमरे का काम भी करते हैं। IQ New 7 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी लेंस जो है वो 64 MP का है। इसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। दूसरा लेंस 2 MP का मैक्रो लेंस है और जो तीसरा सेंसर दिया गया है वो भी 2 MP का है और डेप्थ सेंसर। फोन का प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा है। फोन के साथ वीडियो स्टेबलाइजेशन काफी शानदार है, हालांकि लो लाइट में ये कैमरा उतना अच्छा काम नहीं करता। इसके रियर कैमरे में वी लॉग समेत कई फीचर्स मिलते हैं और रियर कैमरे के साथ आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। इसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
इसके साथ आपको दोनों मोड फोटो और पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी अच्छी डिटेल देखने को मिलती है। डायनामिक रेंज इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है, हालांकि पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। बैटरी की बात करें तो मोटोरोला एज 40 में पावर बैकअप के लिए 4400 mAh की बैटरी दी गई है और इसे तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें आपको 68 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको 15 W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं बात करें IQ New 7 5G की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसे तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें आपको 120 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोन को फुल चार्ज होने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है और एक बार जब ये फोन पूरा चार्ज हो जाता है तो इसे आप पूरा दिन आराम से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। कुल मिलाकर IQ New 7 5G 30,000 रुपए की रेंज में एक काफी अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है। इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और फोन की डिस्प्ले भी अच्छी है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करते हैं और एक शानदार डिस्प्ले के साथ बहुत अच्छे डिजाइन वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप मोटो एज 40 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग ज्यादा करना पसंद है तो IQ New 7 5G आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।